चित्रकूट पहाड़ी थाना में पीस कमेटी की बैठक करके सभी संभ्रांत नागरिकों और ग्राम प्रधान पत्रकार बंधुओं दुर्गा पूजा एवं दशहरे के त्यौहार का शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण मनाने को लेकर हुई चर्चा। सभी लोगों से अपील की गई कि नियमों को विशेष ध्यान में रखा जाए। सभी नियमों का सभी लोग कड़ाई से पालन करें एवं पुलिस का सहयोग करें। पहाड़ी थाना में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। आज पहाड़ी थाना क्षेत्र और कस्बे के सभी संभ्रांत नागरिकों और ग्राम प्रधानों के साथ पहाड़ी थाना प्रभारी जयशंकर सिंह ने दुर्गा पूजा एवं दशहरे के त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए एवं शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण से मनाने को लेकर सभी लोगों से चर्चा की और सभी लोगों को गांव में बैठाई जा रही देवी प्रतिमाओं के बारे में जानकारी ली और कहा कि आप चिन्हित जगह पर देवी प्रतिमाएं स्थापित करें। आप सभी इन त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। देवी पंडालों के आसपास किसी भी प्रकार के अराजकता फैलाने वाले लोगों की पुलिस को तुरंत सूचना दें। देवी पंडालों पर डीजे नहीं बजना चाहिए। शासनादेश का आप सभी पालन करें जिससे किसी प्रकार की अनहोनी ना होने पाए। शांति का वातावरण बनाए रखें। सभी लोगों से अपील की गई कि नियमों का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं अंत में जयशंकर सिंह पहाड़ी थाना प्रभारी ने कहा नियमों को सभी लोग कड़ाई से पालन करें एवं पुलिस का सहयोग करें। थाना प्रभारी जयशंकर सिंह एसआई गोपाल चंद कनौजिया एसआई विजेश पांडे उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह एसआई सुरेंद्र कुमार एसआई राजकुमार यादव एसआई राजकुमार यादव राज कपूर यादव एसआई गजबे आलम एसआई हरि सिंह एसआई शिवमणि मिश्रा एसआई विनय प्रकाश तिवारी कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार ऑपरेटर नरेंद्र कुमार पत्रकार सुमंगल अग्रहरी पत्रकार दिनेश सिंह कुशवाहा संजय कुमार पूर्व प्रधान खरसेड़ा संतोष कुमार कुशवाहा पहाड़ी राम खिलावन पूर्व प्रधान लोहदा दुर्गा प्रसाद महाराजपुर प्रेमचंद प्रधान भानपुर दिलीप कुमार पहाड़ी जागेश्वर कामता प्रसाद भानपुर हेमंत कुमार नांदी प्रमोद कुमार पांडे कांटी गुड्डू त्रिपाठी व अशोक कुमार राधे श्याम प्रधान दुबारी शिव बाबू अग्रहरी पहाड़ी प्रशांत कुमार त्रिपाठी पहाड़ी तिलोक सिंह प्रधान बचरन छोटा सिंह बचरन सुशील कुमार पटेल बाबूपुर आज दर्जनों लोग उपस्थित रहे। बांदा चित्रकूट से ब्यूरो दिनेश सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं फोटो और वीडियो के माध्यम से। कैराना के लिए जैसे मुजफ्फरनगर कैराना में जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, हिंदू मुस्लिम बाहुल एकदम मतलब इम्पैक्ट है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, वहाँ के लिए भी वही आदेश है और यहाँ के लिए भी ओवरी के लिए। तो मतलब वो उनके पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि यहाँ के लिए अलग आदेश वहाँ के लिए अलग, सामूहिक आदेश होता है उसी में कि लाइन से इतनी दूर नीचे जो लाइन होता है बिजली का तार होता है उससे 3 फीट नीचे जैसे इस पार को उस पार किया तो पंडाल में ना नुकसान हो जाए। अगरबत्ती और दीप तो नवरात्र में 9 दिन जलेंगे निरंतर, है ना, तो उसके लिए बालू आप रख लीजिएगा और पानी और बालू परमानेंट इंतजाम। और वहाँ एक एक अपने जो उसके व्यवस्थापक होंगे वो अपने एक एक आदमियों की ड्यूटी 12-12 घंटे 8-8 घंटे के लगा देंगे। मतलब इस तरह का रहेगा कि एक की रिस्पांसिबिलिटी वहां रहे, जैसे रहेंगे तो 10-12 लोग हमेशा, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी एक आदमी वहां रहे। मान लो 10-12 लोग कहीं चले गए तो एक आदमी वहां रहे, और इसका नहीं पंडाल तो भरे रहेगा आपका, रात दिन चलता रहेगा। एक दो आदमियों को लगा दीजिए जो जितना कर पाइए वो है, और एक आप लोगों से एक हमको वो लेना है क्या बोलते हैं इसमें आप भर के देंगे लंबी घटना हो जाती है, हल्की सी घटना वो लंबी बन जाती है। तब वो सब चीजों का जिक्र नहीं करना है, बस यही देखना है माँ बहनें लड़कियां अपने आती जाती हैं तो उनके साथ कोई अभद्रता ना कर पाए, समझ रहे हैं, क्योंकि सबकी आस्था है ना। और आपके साथ जो लोग हैं जो व्यवस्थापक हैं उनकी आस्था है, लेकिन और लोग हैं मान लो ये सोच रहे हो कि इनका खराब कर दिया जाए प्रोग्राम, तो इस आधार पर भी कर सकते हैं, दारू पी के बवाल मचा सकते हैं। और ऐसा एक बंद पत्र है आपका
दुर्गा पूजा दशहरा आयोजक आयोजन है मुचल का, इसमें यह है नाम, आयोजक का नाम, कार्यक्रम की अवधि, दिनांक, अनुमानित भीड़, कार्यक्रम का स्थान, लाउड स्पीकर, ये हम लोग भरवा लेंगे, आप लोग जब स्थापित करेंगे।